हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटे बालों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए वेस्टर्न ड्रेस के लिए ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कितने हेयर स्टाइल बनते हैं, तो सारे हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए सब दो रबड़ बैंड चाहिए एंड सेम कलर का ले लीजिएगा। सेम कलर का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कॉम्ब आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो, चौड़े दांतों वाली या पतले दांतों वाली। तो मैं पे जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। सेंटर पार्टीशन करनी है, बीच की मांग निकाल लेनी है एंड पूरा एंड तक बैक साइड तक आपको बीच का मांग निकालना है। हाई पोनीटेल बनानी है, एकदम क्राउन एरिया पे बनानी है, बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। ब्यूटीफुल मेकअप की वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरी मेकअप वीडियो मिल जाएंगी। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको हाई पोनीटेल बनानी है। ओके, बराबर में एकदम रखते हुए चेक कर लीजिए, ज़्यादा नीचे या फिर ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों जो जो हमारा पोनीटेल है एकदम बराबर में होना चाहिए इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली एक साइड का हेयर लेना है, थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करेंगे। इससे क्या होगा, बैक कॉम्बिंग करने से जो आपका बन है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। ओके, बैक कॉम्बिंग किया, बिल्कुल हाई रखते हुए यहाँ पे यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करते हैं। ये आपके वेस्टर्न ड्रेस पे भी जाएगा, छोटी बच्चियों के भी अगर बाल बहुत लंबे हैं तो वो ये ट्राई कर सकती हैं। एंड आपने जींस टॉप पहना है या फिर कॉलेज जा रहे हो तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है एंड कम्फर्टेबल रहता है। यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा, लेयर निकाल लीजिएगा। अगर स्ट्रेट हेयर है तो लेयर निकाल लीजिएगा, काफ़ी अच्छे लगेंगे। मेरी कर्ली है तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट आप अगर स्ट्रेट होंगे, अगर कर्ली है तो आप भी स्किप कर सकते हो। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड करना है। बैक कॉम्बिंग जरूर कीजिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं तो भी बैक कॉम्बिंग करेंगे तो आपके आपका जो बन है उसका लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। पिन या फिर बॉबी क्लिप भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो, कॉलेज जा रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए ही चाहिए तो आप बॉबी क्लिप यूज कर सकते हो। वैसे यू क्लिप से भी आपका अच्छे से सिक्योर रहेगा, खुलता नहीं है, बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल जो कि वेस्टर्न ड्रेस के लिए एंड कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम क्वीन हाई बन एंड हाई पोनीटेल बना के दिखाइए, तो वो रिक्वेस्ट भी आज पूरी हो गई जिन्होंने भी की थी मुझे रिक्वेस्ट। तो इस तरीके का लुक आएगा इसमें। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, साइड से आपको इस तरीके का लुक मिलेगा एंड फ्रंट से आप देख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, थोड़ा थोड़ा खींच के
और वॉल्यूम बना सकते हैं इसमें। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको पोनीटेल खोलनी नहीं है, इस तरीके से बस रबर बैंड को उसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे दोनों साइड से। ऊपर करने के बाद से रबर बैंड को टाइटली एक बार इस तरीके से अगेन लेंगे और पोनीटेल को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। ओके, सेम दूसरी साइड भी। अब इसका जो ये गैपिंग है बालों के बीच में उसमें इस तरीके से फिंगर इंसर्ट करेंगे। ओके, और दोनों को आपस में इस तरीके से लेके जाएंगे और इस तरीके से रखते हुए यू पिन से इसको सिक्योर करेंगे। ये आपका क्यूट सा हाई बन बन के रेडी हो गया है और ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको बन के अंदर ही आपस में लेके इस तरीके से यू पिन को लगा देंगे। तो ये बन भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। जहाँ से भी आपके हेयर दिख रहे हैं उसको अच्छे से आप अपने तरीके से हाइड कर लीजिएगा जहाँ भी आपको लगे, और इस साइड के लेयर्स को छोड़ सकते हो ऐसे ही। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया कॉलेज गर्ल्स के लिए। जे शॉप पे आप आ कर सकते हो, रूट पे कर सकते हो और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मैं ज़्यादातर इसी टाइप की हेयर स्टाइल बनाना पसंद करती हूँ। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल में कैसे करना है वो भी बताने वाली हूँ। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, या फिर आप ओपन नहीं रखना चाहते हो और हाई बन भी पसंद नहीं है, जो पहले मैंने दो बताए हैं हेयर स्टाइल, तो आपको क्या करना है, सिंपली बालों को कॉम करना है अगर लो बन बनाना है तो। ओके, कॉम करके पूरे बालों को बैक साइड में लेके जाएंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, रबर बैंड लगाएंगे। इस बार हम लोग लो साइड लो लगाएंगे, पहले हमने हाई रबर बैंड लगाया था। दूसरी साइड भी सेम टू तरीके से करना है। बराबर में देख लीजिएगा, बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करना है, दोनों रबर बैंड एकदम पास में होने चाहिए। अभी इन दोनों का इस तरीके से आपको भी दिक्कत हो सकती है अगर बाल दूसरे के अटैच हो जाए, और आपको इस तरीके जाने जो मेरा था उनमें इस तरीके से फिंगर को अटैच करना है और ये वाला मेरा था इसके नीचे भी खींच के जाना है और ये पिन के सिक्योर कर देंगे। रेडी हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी से डायग्नोस भी बना सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल करने नहीं आता वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया।
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, सूट पे बना सकते हो अगर आपको बाल खुला रखना पसंद नहीं है तो। ये कैसा लग रहा है करुण को पूजन बताएगा तेरे बाल इसका हेयर स्टाइल का कॉलेज और ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। आप इसके साथ जेल या सेटिंग स्प्रे यूज करके बालों को सिल्क लुक दे सकते हो, और लेयर्स निकालनी है तो वो भी आपकी मर्जी है, निकाल सकते हो इस तरीके से अगर आपके फेस पे सूट करता है। तो चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आपको अपने बालों का हाफ हेयर लेना है। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ये जीन टॉप पे काफ़ी अच्छा लगेगा, वेस्टर्न ड्रेस में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। छोटे बाल हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ये हेयर लेंथ हेयर है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से सारे हेयर को मैंने ले लिया है, अच्छे से कॉम कर लीजिएगा। और रबर बैंड को लगा लीजिएगा अच्छे से, टाइटली लूज नहीं रखना है। टाइटली मैंने यहाँ पे रबर बैंड को लगा लिया है, और इसी तरीके से आपको ओपन रखना है। बट कुछ इसे क्रिएटिविटी करनी है, उसके लिए क्या करना होगा, बैक पे तो हमारा हेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है बट फ्रंट पे जो हमारा रबर बैंड दिख रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो फ्लैट लुक भी रख सकते हो अगर आपके फेस पे फ्लैट सूट करते हैं तो। अगर आपका फेस भी मेरी तरह है, माथा थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरीके से खींच के थोड़ा सा वो पफ का लुक क्रिएट कर दीजिएगा। फिर हेयर का थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए, देन रबर बैंड के चारों तरफ लपेटते जाइए, टाइटली लपेटिएगा ताकि यहाँ पे जो है वो हाई पोनीटेल दिखे। इसके बाद आपको एक बॉबी क्लिप लेनी है एंड बैक साइड में इस तरीके से लगा देना है, जो आपका पोनी का हेयर बचेगा उसको लेते हैं। और दैट्स इट, ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ वेस्टर्न ड्रेस के लिए एंड कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा इस हेयर स्टाइल में। बैक से ऐसा दिखेगा। तो अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा और स्टाइलिश भी लगेगा। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ न्यू डिफरेंट हेयर स्टाइल लेके, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये छोटे वालों में ये चारों हेयर स्टाइल बहुत आराम से और बहुत आसानी से आप बना लोगे और काफ़ी आपके लुक को काफ़ी अच्छा बना देगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल वीडियोज के साथ, काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट था कुछ लेके। तो आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड दूसरे चैनल पर जाइएगा मेकअप ट्यूटोरियल एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। इंस्टा एडिट करेगा ठीक हो रहा है तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। Thanks for watching. Bye.